आज हम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप एक बार समझ लीजिए। क्योंकि एक्सेल में जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई 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 भी रिपोर्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी फॉर्मेटिंग डिजाइन करते हैं। फॉर्मेटिंग से मतलब हुआ उसका फॉर्मेट। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं इस डैशबोर्ड की बात करता हूं, और जैसे ये देखिए मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया हुआ है। अब इस रिपोर्ट में हमने फॉर्मूला वगैरह तो लगाया ही है। जैसे ये देखिए इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन ये देख रहे हैं इसको किस तरह से कलर किया गया है, और नीचे आपको दिख रहा है ये कितने कैसे कलर किया गया है। पता है क्या है, ये शेडो है। लेकिन शेडो कैसे बनाया गया है, ये ऐसे शेडो नहीं बना हुआ है सर। ये शेडो बनाने के लिए देखिए क्या किया है कि इसने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया है और फिल में, या फिल इफेक्ट में इसने इस वाले को सिलेक्ट किया है। और ठीक है, तो इसे क्या हुआ, लाइन आ गया है। और सेम इस साइड में जो कॉर्नर है, तो देखिए कॉर्नर के लिए क्या किया हुआ है, फॉर्मेट सेल में फिल इफेक्ट, और इसने यहाँ साइड वाला ऑप्शन जो है चूज किया हुआ है, फिल फ्रॉम सेंटर। तो इसे क्या हो गया, इसे एक तरह से कॉर्नर मिल गया है, तो ये शैडो डिजाइन किया हुआ है। तो ऐसा ये ऐसा देखने में से कैसा लग रहा है कि यहाँ इंसर्ट से किसी ग्राफिक्स को लाया गया है। ये ग्राफिक्स होता है ना, इस लाया गया है इस ग्राफिक्स को। लेकिन ग्राफिक्स लाने से दिक्कत क्या होता कि इस पे फॉर्मूला नहीं लगता, ग्राफिक्स पे फॉर्मूला नहीं लगता है, इसलिए इसने ग्राफिक्स का बनाया हुआ है। तो एक फॉर्मेटिंग की डिजाइन ही है ना सर, फॉर्मूला तो बड़ी चीज नहीं है, इसकी फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेटिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो है आप कलर वगैरह तो नॉर्मली कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप फॉन्ट अप्लाई कर दें, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, बॉर्डर अप्लाई कर दें, कलर कर दें, साइज बढ़ा दें, ये सब नॉर्मली चीज जो है आप यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप उसके बारे में पता नहीं होगी। चलिए उन्हीं चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सॉरी, गूगल को कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि हम एमएस वर्ड में ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड में जैसे कि आप कोई नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर वगैरह लिखते हैं ना, जैसे 21st लिखा, ST दिया तो ST ओपन हो गया। ऐसे मान लो 15 में TH किया तो ऊपर आ गया, फिर 10 में TH किया तो उसके ऊपर गया, फिर 20 में TH किया तो उसके ऊपर चला गया। तो लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है कि एक्सेल में जब यहाँ पे आप 20 TH करते हैं तो ऊपर नहीं जाता है। तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे 10 लिखूं TH कर दूं, या मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 21 ST किया, तो जिस लेटर को आपको ऊपर करना है उस लेटर को सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे आपको 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल ओ लिखें, और इस स्मॉल ओ को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ सुपर स्किप करके ओके कर दें, और ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको 10 स्क्वायर करना है तो आप 102 लिखा और 102 को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ सुपर स्किप पे क्लिक करेंगे, तो फिलहाल दिख तो जाएगा लेकिन जैसे आप एंटर मारेंगे ये हट जाएगा। तो आप सिंगल कोट लगाएं, 102 लिखें और इस 102 पर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें आप सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करें, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब ऊपर करने की बात हुई तो नीचे भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि H2O को 2 नीचे करना है तो इसको आप सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके।
तो इसमें सब स्क्रिप्ट को माफ कीजिएगा, नीचे करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे हो जाएगा। अब उसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई सेल्स है और कुछ नंबर्स हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए कि कुछ नंबर्स गलत है तो इसको कैसे शो करेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके आगे कमेंट लिख देते हैं, कलर कर देते हैं, या कुछ और तरीके भी है जो आप ना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टिक थ्रू कर देंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये उतना इफेक्टेबल नहीं है। लेकिन एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप फॉर्मेट सेल में जाएं, बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे हम रेड कलर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके करते हैं। हमारे पास एक फोर का एक होता है कि एफ फोर जैसे आप करते हैं तो एफ फोर से क्या होता है कि लास्ट एक्शन रिपीट होती है। आपको इसका सही का निशान लगाना है तो फॉर्मेट सेल में जाएं और मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं, कलर ग्रीन ले लेता हूं और इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको किया एंड ओके कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको आप किसी भी तरीके से कॉल कहीं पे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट विजुअल के लिए है, प्रिंट आउट के लिए है। आप चाहोगे कि इसमें कोई कैलकुलेट कर दे, कैलकुलेशन कर दे, फिल्टर लगा ले, ऐसे ये नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग को कोई रीड नहीं करता है। आप चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि कुछ इसी तरह से फील हो और फॉर्मेटिंग को भी, फॉर्मूला को भी सपोर्ट करे हमारी, वो जो होंगे इस तरह के जो चीजें लगेगी। तो उसके लिए आप कैप्स में पी लिखे और उस पी के ऊपर यहां पे बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट मिलेगा, इस बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट यहां रख दे। तो बाइंडिंग टू फॉन्ट क्या करेगा कि आप जो पी लिख रहे हैं उस पी को इस तरह की चीजों में कर देगा, और आपको क्रॉस में ओ लिखेंगे तो क्रॉस ओ क्या करेगा, ओ लिखेंगे तो क्रॉस में कन्वर्ट कर देगा, अब कैपिटल पी लिखेंगे तो इस तरह का निशान में क्लिक कर देगा। तो एक्चुअली में है पी आपका, लेकिन विजुअल इस तरह की चीजें हो रही है, तो आप इसको कभी फॉर्मूले की जरूरत हुए तो, या फॉर्मेटिंग की जरूरत किया करना हो, या कुछ और कंडीशन वगैरह अप्लाई करना हो, तो आप पी को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो बाइंडिंग टू है आपका, ये पार्ट ऑफ विंडोज फॉन्ट है, हो सकता है कि आपके विंडो की अपडेट में फॉन्ट ना हो, या कभी, या फिर डिलीट हो गया हो, या बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आप जो है कैप्स में जे को लिखें और यहां आपको अलाइनमेंट में, ये आपको ओरिएंटेशन होता है, उसमें -45 degree के एंगल पे इसको रोटेट करें तो आपको जे की तरह बिहेव करेगा। लेकिन रोटेशन की बात हुई तो क्या मुझे रोटेशन इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है? चलिए रोटेशन पे कुछ और करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक अटेंडेंस सीट हम बनाते हैं सिंपल सा, और यहां पे मैं अटेंडेंस देता हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा जो अटेंडेंस है इसको अब एक पेज पे प्रिंट आउट निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक पेज पे प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, तो इसको छोटा करेंगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी कॉलम की हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है। अगर मैं इसकी टेक्स्ट साइज छोटा कर दूंगा तो फिर वो रीडेबल नहीं होगा, रीड नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? तो हमने रियलाइज किया कि हमारा हेडिंग में ही टेक्स्ट बड़ा है, बाकी डेटा नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे कि हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्म, इसमें फॉर्मेट सेल में, या फिर फॉर्मेट सेल में ना जाके आप यहां भी कर सकते हैं ओरिएंटेशन, और आप ये सिलेक्ट कर लीजिए रोटेट टेक्स्ट अप, ये हो गया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं, यहां पे डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारा ऑटोफिट हो जाएगा।
तो ऑटो फिट में हमारा डेट भी पढ़ा जा रहा है और हमारा अटेंडेंस भी पढ़ी जा रही है और साथ में एक पेज पे ये प्रिंट आउट भी हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कॉलम की साइज की बात रही, तो मान लीजिए कि मैं अपने इस सेल पे कोई नाम लिख रहा हूं, सुजीत एंड कुमार, तो कुमार अगले सेल में चला गया। अभी दिख रहा है क्योंकि इसके अगले सेल में कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू होगा तो नहीं दिखेगा। तो आप इस पे डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। देखिए, आप ऑटो फिट करके कॉलम की साइज नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप रो रैप टेक्स्ट कर सकते हो। तो रैप टेक्स्ट में क्या करेगा, तोड़ के नीचे ला देगा। लेकिन ये तो टूटा है स्पेस एंड कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं टाइप करते समय अपने हिसाब से तोड़ना चाहता हूं। तो जहां से कर्सर को नीचे लाना है, आपको डाउन करना है, आप ऑल्ट एंटर प्रेस करें, वो कर्सर आपका नीचे रैप हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अब मैं कॉलम की साइज भी नहीं बढ़ाना चाहता हूं और रैप करके रो की साइज भी नहीं बढ़ाना चाहता हूं, तो आपके पास एक ऑप्शन है अलाइनमेंट में ही, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या करता है कि कॉलम के साइज को साइज के अकॉर्डिंग आपके रो का साइज कर देता है। अगर आपका कॉलम का साइज बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, घटता है तो घट जाएगा। ठीक है, बढ़ता है तो बढ़ जाएगा और घटता है तो आपका घट जाएगा। देखो, ऐसा ही क्या, बहुत बुरा कर दोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो मैक्सिमम साइज उसकी ओरिजिनल साइज पे ही जाएगी, जो ओरिजिनल साइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है आपने। अब रैप की बात, अब मर्ज की बात करते हैं कि कई सारे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, इधर नॉर्मली आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें एक मर्ज अक्रॉस होता है, उससे क्या होता है कि आप एक एक सिर्फ कॉलम को मर्ज कर सकते हो, आपका रो मर्ज नहीं होगा। तो फॉर्म वगैरह बनाने में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हम फॉन्ट की बात कर चुके हैं, बॉर्डर की बात कर चुके हैं, अलाइनमेंट की बात कर चुके हैं, तो अगला हमारे पास आता है नंबर, मतलब कि नंबर की फॉर्मेटिंग। तो नंबर के फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग में हम यहां रखते हैं और यहां पे हम जनरल, आपका जनरल फॉर्मेट होता है नंबर, नंबर में आप थाउजेंड सेपरेट दे सकते हैं और यहाँ पे डेसिमल नेगेटिव वैल्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी में सब कुछ होगा, करेंसी का सिंबल या करेंसी कोड आप दे सकते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग में आप सिर्फ करेंसी कोड दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक और इस्तेमाल होता है, क्या दिखाता हूं, चलिए। हमारे पास एक डेटा है और डेटा में कहीं कहीं पे जीरो है। अब जीरो को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा एकदम से आंखों के सामने नहीं आता है। हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट की फॉर्मेट सेल में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में अकाउंटिंग में हम यहाँ नन कर देंगे, यहाँ जीरो कर देते हैं एंड ओके करेंगे। तो आपका जीरो जो है इस तरह से डैश दिखेगा। ध्यान रखिएगा, जस्ट विजुअली चेंज हुआ है, ओरिजिनल आपका जीरो ही है। और ये चीज याद भी रखिएगा कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जस्ट विजुअल को चेंज करता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कभी भी आप। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नंबर फॉर्मेट पे हमारे पास डेट की फॉर्मेटिंग है, जहां पर अपने हिसाब से डेट ले सकते हो या डेट की अलग अलग करेंसी करेंसी है, सॉरी अलग अलग फॉर्मेट, अलग कंट्री के अलग अलग डेट की फॉर्मेट्स हैं। टाइम, टाइम फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब टाइम फॉर्मेट को आप कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा टाइम जो कि काफी बड़ा हो, जैसे किसी की ओवर टाइम या किसी का कोई वर्किंग आवर आपने निकाल रखा हो, अगर वो टाइम आपका जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसको
टाइम में कन्वर्ट करते समय आप 37:30:55 का फॉर्मेट लेंगे। अगर इसके अलावा कोई फॉर्मेट लेंगे तो 24 आवर से ऊपर की फॉर्मेटिंग को शो नहीं करेगा। यहाँ पे 37, 30 और 55 को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, आपके सामने आ गया 352032। ये चीज हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका परसेंटेज होता है जो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। फ्रैक्शंस, अगर मैं फ्रैक्शन से लोगे, इसमें वन फ्रैक्शन में एज ए हाफ लेवल सिलेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे 2.5 लिख के एंटर मारूंगा तो ये हो जाएगा 2.1/2। ये आपका होता है। उसके अलावा ये आपका सेंटेंसिंग, छोड़िए यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट में सही है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें चेक नंबर लिखने हैं, तो इसमें क्या होता है कि 001236 तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सिंगल कोड लगा के फिर 0012 3 है जो भी है टेक्स्ट चेक नंबर लेते हैं, फिर जाके वो चेक नंबर एक्सेप्ट करता है। तो 00 लगा वो क्या है, वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब पूरे कॉलम में मुझे टेक्स्ट अगर लिखना है तो क्यों ना मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूं, फॉर्मेट चले जाऊं और यहां पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूं। अब मुझे ऐसा करने के बाद इसमें किसी भी तरह का सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसमें आपके नंबर है, स्पेशल नंबर है, लेकिन सारे यूएस फॉर्मेट के बेहाब पे होते हैं तो इसका यूनियम यूज नहीं है। हाँ, कस्टम, अब कस्टम फॉर्मेटिंग में हम #0 को अपने हिसाब से लगा के हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन इस फॉर्मेटिंग को सीखने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा जो कि मैं आपको भेज रहा हूं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको वीवीए तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपको मैं फॉरवर्ड करता हूं, ये लिंक है, इस लिंक को ये आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, बट बहुत अच्छी आर्टिकल है, इसको अभी पढ़िए आप। मनोज जी आपकी आईडी कौन है इसमें? शर्मन्नू राव। यही वाली। हाँ सरज जी आपकी आईडी यही है? नहीं नहीं सरज शाम में ले रहा। और किसका रह गया है, किसी का रह छूट तो नहीं गया? हेलो मेरा शो नहीं हो रहा है। निरुपम लोखंडे, निरुपम 9। तो इस आर्टिकल को पढ़िए, फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं आप। सर मुझे कल पूछना था क्लिपबोर्ड एक्चुअली होता क्या है और उसका मतलब यूज क्या होता है? जब आप कॉपी कंट्रोल कॉपी जब पेस्ट करते हैं तो आपकी कॉपी डेटा क्लिपबोर्ड में सेव होती है। ओके जब कंट्रोल सी करते हो हाँ?
उसको टेम्पररली कंट्रोल क्लिप बोर्ड में रखा जाता है, फिर पेस्ट किया जाता है। जब आपको मान लीजिए कि कॉपी पेस्ट का बहुत सारा काम है, जैसे कॉपी करना पेस्ट करना, कॉपी करना पेस्ट करना है, तो आप क्लिप बोर्ड को ऑन कर दें, जस्ट कॉपी करें फिर इकट्ठे पेस्ट करें, तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कॉपी एंड आफ्टर देन आपको पेस्ट सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। सिंगल पेस्ट में एक ही बार सब कुछ हो जाएगा। हाँ, दैट इज ए ओके बोर्ड यूज होता है। ओके सर। देखिए, एक बार में 24 ही कॉपी कर सकते हो, अच्छा उसके बाद आपको पेस्ट करके क्लिप बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लिप बोर्ड में 24 ही स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। ओके सर। वो ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है सर? नहीं, वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है सर, ओके रैम बहुत सारी चीजें हैं इस पे इफेक्ट होता है। जैसे आप ज्यादा कॉपी करोगे तो अपने आप बता देगा। ओके ठीक है, ओके और कोई पूछना है? नहीं। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।